रेलकट टीवी न्यूज सच दिखता है। अक्टूबर 2020 के आसपास में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की स्थापना हुई थी, और उस समय जब ये कमिश्नरेट शुरू किया गया था उस समय यहाँ पे 13 पुलिस स्टेशन थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमको जगह मिली या फिर जो पब्लिक की डिमांड या फिर जो हमको लगा कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने पुलिस स्टेशन बनाने शुरू किए हैं। 2020 से लेके 2023 के काल में 4 नए पुलिस स्टेशन बने, इसमें एक है 2021 में बने थे दो, वह है आचोले और पेल्हार। 2022 में एक पुलिस स्टेशन बना था मांडवी, 2023 में एक पुलिस स्टेशन बना था वो था नायगांव। और यहाँ पे जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का जो एरिया है इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन हमारा काफ़ी दिन से प्रपोज था। यहाँ जो काशी मीरा पुलिस स्टेशन है उसमें एक साल में टोटल 660 के आसपास में क्राइम होते हैं और तकरीबन 3500 या 3200 के आसपास में एनसीज होते हैं, और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। तो इसके बारे में एक पुलिस स्टेशन बनाने का हमने एक प्रस्ताव भेजा था गवर्नमेंट को। ओरिजिनल सैंक्शन 2019 का जो जीआर था उसी में था, लेकिन प्रपोजल हमने भेजा है 2023 नवंबर को, जिसको हमको मान्यता मिल गई है फरवरी 2024 में। उसके बाद में ये जो जगह है इसको रेंट पे लेने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर और इसका जो रिनोवेशन है उसके लिए हमको कलेक्टर ऑफिस से कुछ निधि मिली है, और उसका उपयोग करके आज हम लोग इसका काशी गांव पुलिस स्टेशन जो हमारा 18वां पुलिस स्टेशन है इसका हम लोगों ने आज शुरुआत की है। इसी के साथ में पिछले एक साल से हमारी कोशिश चल रही थी कि हमारे पास में जो पुलिस स्टेशन में लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर व्हीकल्स कुछ कम है तो उसको पूरा करने के लिए हमने कलेक्टर ठाणे और कलेक्टर पालघर इन दोनों से रिक्वेस्ट की थी। फिर काफ़ी उसकी मीटिंग्स वगैरह हुई, उसमें मीटिंग्स होने के बाद में फिर फंड्स रिलीज हुए, फिर ऑर्डर्स प्लेस हुए, और ऑर्डर्स प्लेस होने के बाद में आजकल फोर व्हीलर की डिलीवरी टाइम भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 3-4 महीने हो गई है, लेकिन हमारा टारगेट था कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले हमको ये करना है। तो ठाणे की जो हमको गाड़ियाँ थी वो मिली थी और उसको हम लोगों ने पिछले महीने में उसका लोकार्पण किया था, और आज पालघर से हमको जो 20 गाड़ियाँ मिली हैं जिसमें कि 18 बोलेरो है और 2 प्रिजन वैन्स हैं, इसका आज हम लोगों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी इनके हाथ से उनका लोकार्पण आज किया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो पब्लिक सर्विस के जो पुलिस का काम है उसमें जो गैप्स हैं वो हम लोग भरने का काम कर रहे हैं। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।